दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बिहार टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रुपेश। आज की वीडियो में आप सबको मैं बताने वाला हूँ कि SBI न्यू ATM कार्ड के लिए अप्लीकेशन फॉर्म को कैसे भरते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है और अभी तक आपको SBI की तरफ से न्यू ATM कार्ड नहीं मिला है या आपका ATM कार्ड ब्लॉक हो चुका है और आप न्यू ATM कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। दोस्तों, न्यू ATM कार्ड के अप्लाई करने के दो तरीके होते हैं। एक ऑनलाइन किया जाता है जो आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, यदि आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो। आप यदि नेट बैंकिंग नहीं चलाते हैं तो आप ऑफलाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन करने के लिए आपको इस फॉर्म को फिल करना होता है और इस फॉर्म को फिल करके आपको बैंक में जमा करना होता है। इसके बाद आपको 14 दिन के अंदर आपके घर पर ATM कार्ड आ जाता है। तो फ्रेंड्स, यदि आप ऑनलाइन ATM कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पर मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो को देखकर आप बहुत ही आसानी से नेट बैंकिंग के थ्रू न्यू ATM कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि न्यू ATM कार्ड के लिए आप अप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके कैसे ATM कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस तरह से हर वीडियो को देखने के लिए बिहार टेक्निकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब के घंटों को उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, न्यू ATM कार्ड के लिए अप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले आपको इस फॉर्म को लाना होगा। इस फॉर्म अपनी ब्रांच से मंगा सकते हैं या आपके ब्रांच के आसपास में जो दुकानें होती है उससे भी आप इस फॉर्म को ले सकते हैं। दोस्तों, इस फॉर्म को लेने के लिए आपको बोलना है कि हमें न्यू ATM कार्ड मंगाना है, न्यू ATM कार्ड इशू कराना है, वो फॉर्म मुझे चाहिए, तो आपको वहाँ से ये फॉर्म मिल जाएगा। फॉर्म को भरने के लिए आपको कुछ बातों को ध्यान रखना है कि इसमें जो भी आपको फिल करना है कैपिटल लेटर में भरना है, यानी कि बड़े अक्षर में, और आपको जो यहाँ पे बॉक्स दिया गया है इस बॉक्स से बाहर नहीं भरना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नाम डाला है, यानी कि जिनके नाम से खाता है उनका नाम आपको यहाँ पे डाला है बड़े अक्षर में, यानी कि कैपिटल लेटर में, जिससे कि हम अपना नाम डालें। इसके बाद आपको फर्स्ट नाम समाप्त होने के बाद आपको एक बॉक्स को छोड़ देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना टाइटल या जो भी है लिखना है। यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। यदि आप पुरुष है तो आपको मेल के सामने टिक रखना है, यदि आप महिला है तो आपको फीमेल के सामने टिक रखना है। इसके नीचे आपको यहाँ पे अपना करंट एड्रेस यहाँ पे आपको डालना है, जिससे कि हम डाले हैं। इसके नीचे आपको यहाँ पे सिटी टाउन डालना है। इसके नीचे आपको अपना स्टेट का नाम यहाँ पे डालना है और यहाँ पे आपको अपना एरिया का पिन कोड डालना है। इसके नीचे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, यदि आपके पास टेलीफोन नंबर है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके नीचे आपको अपना जीमेल आईडी को डालना है। फ्रेंड्स, यदि आपके पास में जीमेल आईडी नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। और यहाँ पे आपको अपना फैक्स नंबर डालना है। दोस्तों, यदि आप फैक्स नंबर आप यहाँ पे डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। फैक्स नंबर दोस्तों आपको पासबुक पर मिल जाएगा। इसके नीचे यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आप कौन सी ATM कार्ड इशू कराना चाहते हैं, रिक्वायर्ड है, आपका अकाउंट टाइप क्या है। दोस्तों, यदि आपका प्राइमरी अकाउंट है तो यहाँ पे आपको इसके सामने तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सा अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है। यदि आपका सेविंग अकाउंट है तो आपको सेविंग के सामने बॉक्स को टिक करना है, यदि आपका करंट अकाउंट है तो यहाँ पे आपको टिक करना है। यदि आपका सेकेंडरी अकाउंट है तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आपका सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है। तो यदि आपका सेविंग अकाउंट है तो यहाँ पे आपको टिक रखना है, यदि आपका करंट अकाउंट है तो यहाँ पे आपको टिक करना है और यहाँ पे आपको अपना ब्रांच का नाम डालना है। और इसके नीचे दोस्तों, यदि आपका सेविंग अकाउंट है तो आपको सेविंग अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको डालना है, यदि आपका करंट अकाउंट है तो आपको करंट अकाउंट नीचे डालना है। तो फ्रेंड्स, हमारा सेविंग अकाउंट है तो हम अपना सेविंग अकाउंट यहाँ पे डाल दिए हैं और यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर कर देना है और इस फॉर्म को लेकर बैंक में आपको जमा कर देना है। दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ भी फिल नहीं करना है, यहाँ पे जो भी फिल करेंगे बैंक वाले फिल करेंगे, आपको यहाँ पे कुछ नहीं भरना है। जितना हम फिल किए हैं इतना ही आपको फिल करना है और इस फॉर्म को फिल करने के बाद में आपको अपना बैंक में जाकर जमा कर देना है। इस फॉर्म को बैंक में जमा करने के 14 दिन के अंदर ATM कार्ड आपके घर पर आ जाएगा डाक के थ्रू। इस तरह से आप SBI ATM कार्ड के लिए अप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सबको हमारा ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो के रिलेटेड कोई डाउट प्रॉब्लम या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।